अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये सबसे आसान वीडियो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। पिक्सल ऐप को ओपन कर लें या आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। तो ये वीडियो कोई भी बना सकता है, आपको पिक्सल ऐप सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको इसके अंदर कोई फ़ायदा हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो सबसे पहले ए वाला बटन दबा दें, जैसे मैं आपको कहता जा रहा हूँ, फिर ये डिलीट वाला बटन दबा दें तो ये टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, ये वाला बटन दबा देना और ये गैलरी वाला बटन दबाएंगे तो वहाँ यहाँ पे मेरे पास एक फ्रेम है। ये फ्रेम मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूँगा, आप ये फ्रेम वहाँ से ले लीजिएगा। तो ये फ्रेम यहाँ पे आ चुका है। अब फ्रेम लग गया, बस ऊपर नाम लिखना और आपका काम मुकम्मल। नाम लिखने का मैं आपको एक आसान ट्रिक बताऊँगा और कलर भी वो खूबसूरत बनेगा और जो मैं फ़ॉन्ट बताऊँगा वो भी ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है और वो फ़ॉन्ट भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को दे दूंगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिख लें, ए वाला बटन दबाएं और जमा वाला बटन दबाएं। उसके बाद आपने अपना नाम लिख देना है। पहले मैं अपना नाम लिख देता हूं, उसामा। अमजित ये लिख लें। उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर मेरे पास एक फ़ॉन्ट है, मैं वो फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ये फ़ॉन्ट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो लर्निंग नोट्स ऑफिशियल के नाम से है, तो आपने वहाँ से ये फ़ॉन्ट ले लेना है। अच्छा, इसका रंग अब मैं आपको एक प्यारा सा रंग बताता हूँ, इसको जो सेट करते हैं जो इसके साथ मैच भी करें। तो रंग सेट करने के लिए आपने क्या करना है, आगे आ जाएँ। रंग चुराने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि रंग चोरी कैसे करते हैं तस्वीर के अंदर से, तो वो तरीके की मैंने अलग-अलग वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ये बटन दबाएं, फिर जमा वाला बटन दबाएं, फिर ये पेन वाला बटन दबाएं। अच्छा, इसमें से आपने जो भी रंग चोरी करना है ये वाला दायरा आपने वहाँ पर रख देना है। तो पहले मैंने तफसील से ये सारी वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पर इसको रख दें और फिर ऊपर से टिक वाला बटन दबा दें। ये देखें, ये कलर आ चुका है। अगर आपको फिर भी नहीं पसंद तो दोबारा कलर वाला बटन दबाएं, जमा वाला बटन दबाएं, उसी पेन वाला बटन दबा के थोड़ा इसको शो कर लेते हैं। जब आप यहाँ से काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको रंग नज़र आ रहा होगा, आपने कोशिश करें जो रंग रखें वो थोड़ा शो हो, यानी कि लाइट ब्राइट हो। ये मुझे ठीक लग रहा है। तो ये देखें, अब इसके साथ ये मैच भी कर रहे हैं। यहाँ पे रख लें, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे शेडो वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये दबा दें और इसको ऑन कर दें और ये ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दें और ब्लर को भी थोड़ा सा कम कर दें। उसके बाद बस छोटा सा काम, 3D वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, इसको दबाएँ और ये ऑन कर दें और यहाँ से थोड़ा सा 5 पे कर लें और ये 3D रोटेट वाले बटन से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे रख के यहाँ पे और इसको थोड़ा सा घुमा लें और थोड़ी सी इसकी डेप्थ कम कर देते हैं। इसी की कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे अपना जो भी नाम शहर का लिखना चाहते हैं, मैं शहर का अपने का नाम लिख लेता हूँ। अब आपको दूसरी दफ़ा फ़ॉन्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप अपने शहर का नाम इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपको कलर लगे इसका सही नहीं है तो इसका कलर सेलेक्ट दोबारा वहीं से कर लेते हैं, थोड़ा सा मदम कलर। अगर आप इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप लोगों की मर्ज़ी है, यहाँ पे काफ़ी सारे कलर मौजूद हैं, ब्लैक कलर भी है, ग्रे भी है, ये सारे कलर, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। ये देखें, जो जो हमने कलर सेलेक्ट करे थे वो खुद ब खुद नीचे ऐड हो जाते हैं। तो
बस ये इतनी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।